बहुत जल्द होने वाला है खुलासा। 2 सालों तक क्या हुआ ऑफिसों में, क्या किया मैनेजमेंट ने, निवेशकों के जमा बॉन्डों का, बस बहुत हो चुका अब। क्या क्या टॉप सीनियर्स ने, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि ऑफिस क्यों खुलवाए जा रहे हैं, हम करेंगे सबूतों के साथ खुलासा। टेप न्यूज पर होगा खुलासा, खुलासा और सच्चाई देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। भारतीय लोक सेवा दल के सचिव अमित गर्ग जी के साथ, जो आपको कराएंगे सच का सामना। जल्द आएगी अमित गर्ग जी की वीडियो, तब तक देखते रहिए टेप न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसा खुलासा दिखाने के लिए जा रहा हूं, पीएसएल निवेशकों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है। आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर ऑफिस क्यों खुलवाए जा रहे हैं, अमित गर्ग जी क्यों ऑफिस खुलवाने के पीछे लगे हुए हैं, क्यों आप लोगों का पैसा वापसी नहीं हो रहा है, आखिर ऑनलाइन आवेदन की क्यों ज़रूरत पड़ी सेबी को या पीएसएल मैनेजमेंट को, तो सारा खुलासा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ राज उगल रहे हैं अमित गर्ग जी के द्वारा बनाई गई वीडियो से। और वीडियो में जब आप देखोगे कि आखिर क्यों ऑनलाइन आवेदन के लिए सेबी मजबूर हुआ, क्यों आपका पैसा अभी तक नहीं मिला, क्यों सेबी कहता है कि पीएसएल मैनेजमेंट के पास आपका रिकॉर्ड नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो अभी आप इस वीडियो में देख पाओगे। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूं अमित गर्ग जी की, आगरा के पीएसएल ऑफिस की, जहां पर ये वीडियो देख करके सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा और बराबर में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए मैं ये वीडियो अमित गर्ग जी के द्वारा दिखा देता हूं, जिन्होंने आगरा का ऑफिस खोला तो वहां पर एक ऐसा आश्चर्यचकित सीन देखने को मिला कि आपके होश फाकते हो जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचे अभी। रुको 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 हाँ मैं बनाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड ये आपके, ये देखो भाई, आगरा ऑफिस में स्टाम्प से, जो कि हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब 2 साल ऑफिस खुलता रहा आपके बॉन्ड जमा होने के, उसके बाद भी ये हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं। सब फटे हुए पड़े, ये आगरा ऑफिस ओरिजिनल बॉन्ड ये आप देख रहे हैं किस तरह से पड़े हुए हैं ये यहाँ पर, जिनको कि बड़े उससे आपने पैसा खर्च करके बनवा कर यहाँ जमा करे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी सीनियर की रही, मैनेजमेंट की रही, सिर्फ पैसा कमाया। आप देख सकते हैं, मैं आज आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, यहाँ ऑफिस के अंदर लोग धरने आंदोलन बड़े बड़े कर रहे हैं संगठनों वाले, लेकिन उनके साथ इतने बड़े सीनियर जुड़े हुए हैं। और आप देखिए क्या पोजीशन है इन बॉन्डों की, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ लाइव, क्या जिम्मेदारी है, क्या भरोसा रखे हैं उन सीनियरों पर। आप देख सकते हैं ये इतनी
मतलब कूड़े से भी ऐसी स्थितियां पड़े हैं जिनका कोई मतलब, और कल को कोई मांगेगा रसीद की आवाज में तो कहां से दे पाएंगे? आप सोच के देखिए क्या जिम्मेदारी है उन सीनियरों की, आप खुद सोचिएगा। ये हालत में ये आप देख सकते हैं, ये बॉन्डों की स्थिति है यहाँ आगरा ऑफिस, ये आप देखिए ये स्थिति है यहाँ। लोग धरने फड़कों पर कर रहे हैं और यहाँ जबकि बंद था ऑफिस, 2 साल तक खुलता रहा, इनकी कोई भी सुरक्षा नहीं की गई इन बॉन्डों की, इनको इसी तरह से फेंक दिया गया रद्दी में, क्योंकि तो उनके लिए रद्दी थी, उन्हें पैसा नहीं देना था। आप देख सकते हैं ये देखिए, आप देखिए ये बहुत जल्दी हम ये ही इस तरह से बॉन्ड पूरे पड़े हुए हैं यहाँ। ये देखिए कूड़े के ढेर में आपके बॉन्ड, जिनकी मैनेजमेंट की सीनियरों की कोई जिम्मेदारी नहीं। कभी कभी कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिससे कि सच्चाई सामने आए, और ये वो सच्चाई है उन सीनियरों की, उन मैनेजमेंट की, कि आपकी उन्हें कितनी चिंता है। आप देख सकते हैं लगातार ये देखिए ये कंडीशन है, इसी तरह से पूरे ऑफिस में ये फटे हुए पड़े हुए हैं। सामान सारा गायब कर दिया यहाँ के लोगों ने मैनेजमेंट से मिलकर, और आज वो लड़ने की औपचारिकता कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों को अच्छा तो नहीं लगता मेरा काम, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डेस्क है दी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं, कहीं कोई किसी भी प्रकार की वो नहीं नजर आ रही होगी, पूरा ऑफिस इन लोगों ने खाली कर दिया है यहाँ। जी हाँ साथियों, आगरा के ऑफिस में कंप्यूटर नाम की चीज नहीं है, केवल इनका मत कहना, केवल ये आप देखिए यहाँ यहाँ हालत बद से बदतर हो चुकी है। स्टाम्प बॉन्ड आगरा के ऑफिस में, आगरा में इतने ईएम होते सोते सब यूं ही रद्दियों के भाव में सब पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई भी नहीं गया, और ये रद्दी हो जाने हैं ये पूरी तरह से। ये सब आप देख रहे हैं बॉन्डों की कंडीशन, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप सब देख रहे हैं लगातार। ये देखिए ये सारे बॉन्ड यहाँ सिर्फ क्योंकि आगरा में ही सारे सीनियर सभी का दबदबा रहता था, फरीदाबाद के बॉन्ड नहीं है, और सभी पूरे मंडल के मैं समझता हूँ सभी सीएससीओ के यही हैं। बुरी कंडीशन हो रही है, मतलब मन इतना विचलित है कि कोई काम ऐसा नहीं किया गया 2 साल ऑफिस बंद होने के बाद जिससे कि कोई जिम्मेदारी होती, सिर्फ पैसा 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 भरते रहे हैं ये लोग, बाकी के जो सारी चीजें गायब हैं ऑफिस से। धन्यवाद। तो दोस्तों अब आप क्या कहना चाहोगे अमित गर्ग जी को, क्या अमित गर्ग जी ने ये खुलासा करके कोई गलती की है, या अमित गर्ग जी अच्छा कार्य कर रहे हैं? आप लोगों को कमेंट्स करके हमें जरूर बताना है, क्योंकि जो आगरा के इस ऑफिस में बॉन्ड मिले हैं वो ज्यों के त्यों और बहुत बुरी कंडीशन में है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे बॉन्ड्स ऑफिस में जमा है, मगर ऐसे ऑफिसों में जमा है जहां पर आपका पैसा वापसी नहीं हो सकता, तभी तो सेबी ने ऑनलाइन आवेदन मांगे, क्योंकि किसी के भी पास आप लोगों का रिकॉर्ड नहीं है और आप लोगों से कह दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अपने बॉन्ड की कॉपी जमा करो। जब आपके बॉन्ड जमा है, आपके पास हाथों में रसीद है जो हाथों से लिखकर दी गई थी, अब उस रसीद के लिए भी आवेदन नहीं हो रहे हैं, तो अब निवेशक क्या करेगा? तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, या ये खुलासा आपको इस तरह से झकझोर देगा कि आप लोगों का पैसा अब नहीं मिल पाएगा, या
कोई आवेदन प्रक्रिया होगी तो इसमें आपको फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अब जितने भी बॉन्ड वहां पर पड़े होंगे यदि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी तो वो अमित गर्ग जी के पास होंगे। तो जो भी आगरा के या जिन जिन के वहां पर बॉन्ड हो सकते हैं, आप को लगता है कि आपका बॉन्ड जमा है और अभी तक आपका पैसा नहीं मिला, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं अमित गर्ग जी से, उनके साथ जुड़ भी सकते हैं, जिससे कि आने वाले आवेदन प्रक्रिया में आप अपने बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और ख़ासतौर पर अमित गर्ग जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा, जो अपने दम पर और भारतीय लोक सेवा दल के सचिव होने के नाते आप लोगों के लिए लगातार एक कोशिश कर रहे हैं आपका पैसा वापसी कराने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।